गाइस, हमारे आज हमने जो बना हूँ बेस्ट ट्रेबल मिड कंट्रोल हमारा है। ये पहले से ही मैंने वीडियो डाल के ये कर दिया था कि हमारा जो खुद का ब्रांड में आने वाला है बेस्ट ट्रेबल मिड कंट्रोल, वो भी डिजिटल और बहुत ही हाई क्वालिटी का, जो कि मैंने पहले भी ट्राई करके दिखाऊंगा और आज भी मैं चेक करके दिखाऊंगा। इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। प्राइस जो है बहुत ही लिमिटेड प्राइस हमने रखा है, 1100-1200 के आसपास ये प्राइस चल जा रहा है हाई क्वालिटी में। और ऐसा क्वालिटी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आप जो खरीदेंगे 800-900 रुपये का बेस्ट ट्रेबल मिड, उससे कई गुना बेटर है सोनी का ये टक्कर देने वाला बेस्ट ट्रेबल मिड कंट्रोल है फ्रेंड। तो आप एक बार लीजिए, परचेज कीजिए और ट्राई करके देखिए, आपको जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। आप सेलिंग भी करना चाहते हैं तो 1500-1600-1700 में इजीली आप इसको सेलिंग कर पाएंगे। इसका जो साउंड क्वालिटी बहुत ही बेटर आपको मिलने वाली है। इसमें फ्रेंड मैंने क्लेट्रॉन का सारा चीज़ कैपेसिटर लगाया हूँ और यहाँ पे ग्रीन कलर का पीएफ, हाई क्वालिटी का पीएफ सबका यूज किया हूँ बेस्ट ट्रेबल मिड कंट्रोल सही से करने के लिए। उसके बाद ही जो हमारा सही से कंट्रोल हुआ। यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ, TDA 7439 का आईसी लगा हुआ और यहाँ पे एक प्रोग्रामर बोर्ड है। ये अब खराब हो जाता तो आप इजीली अपने से नहीं लगा सकते, ये प्रोग्राम करके मेरे यहाँ से ही मिलेगा। तो अगर बाद में खराब हो जाता तो मैं प्रोग्राम करके भी इसको दे सकता हूँ और इजीली इसको SMD मशीन से रिमूव करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आईसी भी खराब होता है आईसी भी ले सकते हैं हमसे, और आईसी भी हर जगह नहीं मिलता है तो इसलिए रिपेयर भी कर सकते हैं और जल्दी से खराब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस प्लस अगर गलत लग जाता तो यहाँ पे पावर इधर जाएगा ही नहीं। और यहाँ पे एक मैंने इसके लिए पावर सप्लाई है 7805 और 7809 इसमें लगाना पड़ेगा, जो कि मैं बना के दूंगा। और वहाँ पे आपको सिर्फ 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगाना होगा 012 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर ब्रिज रेक्टिफायर बना के आप यहाँ पे 1 एम्पेयर का पावर सप्लाई इसमें दे सकते हैं। तो हर बोर्ड में वही है। तो ये मेरा 4 बोर्ड अभी फिलहाल यहाँ पे है और 100-200 पीस भी चाहिए जिसको कि सेलिंग करना है मार्केट में, तो आप इजीली हमसे ले सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा वॉल्यूम है और यहाँ पे बेस्ट ट्रेबल मिड सारा चीज दिखाऊंगा, साउंड में बोल नहीं पाऊंगा तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये जो हमारा बेस्ट ट्रेबल मेड का जो पूरा पूरी आपने टेलर देख ही लिया, तो ये हमने किसे बनाया है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ, लेकिन आप इसको बना नहीं पाएंगे, आपको हमसे ही परचेज करना पड़ेगा। लेकिन आप हमसे परचेज कर लेंगे उसके बाद भी इसमें कुछ कुछ कनेक्शन जो है आपको करना पड़ेगा, तो वो सारे कनेक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इजीली इस बोर्ड का कनेक्शन करके आप अपने एम्पलीफायर में, कोई भी एम्पलीफायर में इजीली सेट कर पाएंगे, या बड़ी एम्पलीफायर हो या छोटी एम्पलीफायर हो या नॉर्मल एम्पलीफायर क्यों ना हो। तो फ्रेंड पहले मैं कनेक्शन बताता हूँ पावर सप्लाई का। यहाँ पे 2 डायोड लगी हुई है, 1 डायोड के आसपास में यहाँ पे होगा 9 वोल्ट, यहाँ पे होगा हमारा 5 वोल्ट। तो ये हमारा 5 वोल्ट, मुझे यहाँ पे इसको 5 वोल्ट देना है और यहाँ पे इसको 9 वोल्ट देना। यहाँ पे दोनों में 5 वोल्ट देके भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक जो साउंड क्वालिटी जो ICA ड्राइव करता है ये इसको जो वोल्टेज है 9 वोल्ट, 5 वोल्ट में भी एक्यूरेट सही सही काम कर लेता है, लेकिन आप यहाँ पे इसको 9 वोल्ट देंगे तो आपको जो आवाज़ का जो क्वालिटी है वो और ही अच्छा मिलने वाली है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट इसके लिए मैंने यहाँ पे 7805 का रेगुलेटर लगाया, जिसका पहला नंबर पिन में मैंने 12 वोल्ट दिया। ये हमारा 7809 है, ये 7805 है। 7809 का ये पहला नंबर, 7805 का ये पहला नंबर में हमने 12 वोल्ट का पॉजिटिव लाइन ये हमने दिया। अब नेगेटिव लाइन जो है, ये नेगेटिव लाइन दोनों का 7809 का ये नेगेटिव बीच वाली है और 7805 का भी नेगेटिव बीच वाली, जिसमें हमने नेगेटिव पॉइंट को दिया और यही नेगेटिव पॉइंट को हमने यहाँ पे इसका ग्राउंड बोर्ड, ये बोर्ड का ग्राउंड पॉइंट में दे दिया। यहाँ से मुझे 9 वोल्ट मिला,
8309 से यहाँ पे आउटपुट में 9 वोल्ट को मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट में लगा दिया और 8305 का यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। आप मल्टीमीटर से चेक करके लगाएं, चेक करने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट में यहाँ पे एक्यूरेट लगा दें, उसके बाद फ्रेंड ये आपका बोर्ड जो है ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, लगभग जो भी कंपोनेंट है हम फिल करके दूंगा, 1-2 चैनल 3 चैनल जितना आपको चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे फिल करके दूंगा, बाकी इधर का सारा कंपोनेंट लगा ही रहेगा। ये सब में कुछ और छाड़ा आपको नहीं करना है। इसमें भी यहाँ पर भी मैंने सॉफ्टवेयर के लिए कुछ कुछ चीज़ को दिया हुआ, ये आपका ज़रूरत का नहीं है। आपका ज़रूरत का पड़ेगा फ्रेंड यहाँ पे इनपुट, ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक नंबर और एक नंबर, यहाँ से मैं ऑडियो को इनपुट करूँगा, साउंड इनपुट। ये साउंड का इनपुट तो हो गया लेफ्ट एंड राइट, और ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब यहाँ 2 नंबर होगा, यहाँ 3 नंबर 4 नंबर, यहाँ पर भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ये 2 नंबर हो गया लेफ्ट और इधर का 2 नंबर हो गया राइट, तो यहाँ पर 3 नंबर राइट और इधर लेफ्ट, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 4 पॉइंट दिया हुआ, जिससे आप यहाँ पे इजीली 4 सेक्शन को इनपुट कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे इजीली आप कनेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ से आपका ऑडियो इनपुट हो जाएगा फ्रेंड। अब आती है फ्रेंड यहाँ पे ऑडियो आउटपुट, यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट है। यहाँ पे ये ग्राउंड मिल गया, ये लेफ्ट मिल गया और ये राइट मिल गया, जिसको आप अपने एम्पलीफायर में कनेक्शन करके आप अपने एम्पलीफायर को कंट्रोल कर पाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड एक इनकोडर लगाया जाता है, जिसको आप इजीली वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि डिस्प्ले में दिखेगा। तो यहाँ पे इनकोडर का जो कनेक्शन है, पहला जो है, ये जो पहला नंबर है ये आपका जाएगा बीच में, ये वाला गया बीच में, और यहाँ पे जो है ये 2 नंबर ए और बी करके, ये इसमें लगा दें या इसमें लगा दें, ये उल्टा काम करेगा, तो इसको एक्सचेंज कर देंगे तो सही काम करेगा। तो एक इसमें और एक इसमें लगा देंगे ये 2 पॉइंट को, अब बच गए 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट को यहाँ पे ये वाले 2 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, ताकि मैं यहाँ पे पुश करूँगा तो यहाँ पे मोड चेंज होगा फ्रेंड, और इसको आगे पीछे घुमाऊँगा तो वॉल्यूम आगे पीछे बेस सारा चीज़ कंट्रोल होगा, जिसको वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया। तो इसलिए बोर्ड का आप परचेज करें और एक बार साउंड अपना एम्पलीफायर में लगा के टेस्ट करके देखें, तभी जाके आपको इजीली एक रेट पता चलेगा कि हमारा बोर्ड का क्वालिटी कैसा है। वीडियो तो हमने ट्राई करके आपको दिखा दिया हूँ, मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आप जब तक परचेज नहीं करेंगे, खुद ट्राई नहीं करेंगे, तब तक परफेक्ट नहीं होता फ्रेंड। तो एक बार परचेज करें और ट्राई करके देखें, तभी जाके आपके लिए ये जो है एक्चुअली काम कैसा कर रहा है तो ही आपको पता चलेगा। अगर अच्छा काम करे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जिसको जितना चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।